अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बिगड़े हैं बात सब कुछ ना कुछ पाने को बाकी है तेरा मिलना ही सब कुछ ना कुछ पाने को बाकी है तुझसे देखिए आपकी तूफानी दुल्हन तैयार हो चुकी है अच्छे लग रहे हैं आप के लिए तू काफी है जीने के लिए काफी है अभी नहीं तेरा मिलना ही सब कुछ ना कुछ पाने को बाकी है अभी मेरी तूफानी दुल्हन को चार चांद लगाना बाकी है तेरा मिलना ही सब कुछ ना कुछ पाने को बाकी है तुझसे ही सांस आती है जीने के लिए तू काफी है जीने के लिए तू काफी है दोबारा प्यार ना होगा आखिर तुम मोहब्बत हो
दोगी ना रानी माँ? आप साथ देंगी ना मेरा? आप चुप क्यों खड़ी है? ठीक है, अगर आप मेरा साथ नहीं देंगी ना तो मैं अपनी जान ले लूंगी, खत्म कर लूंगी मैं खुद को। रानी माँ कुछ तो बोलिए। ठीक है, रात को किसका फोन हो सकता है? रानी माँ? हेलो, व्हाट? रानी माँ, रानी माँ क्या हुआ? रानी माँ ठीक तो है ना? ये मृदुला को क्या हुआ है? यहां कैसे है वो? आज एक पत्नी दर्द में है और जिसके वजह ये लड़की है। इसकी वजह से दर्द में नहीं है वो, वो अपने कर्मों की वजह से इस हालत में है। उसने इतने पाप किए हैं ना कि यही उसका फल है। रजत, जब किसी औरत पर उसके पति या उसके बच्चे की बात आती है ना तो वो कोई भी पाप करने से नहीं चूकती। इस लड़की के गले में मृदुला के हिस्से का मंगलसूत्र है, इसकी मांग में उसके हिस्से का सिंदूर है। इस लड़की ने उसकी पसी पसाई गृहस्थी छीन ली तो अपनी चीज वापस लेने में कैसा पाप? माफ कीजिएगा रानी माँ, लेकिन हमने ना किसी का सुहाग छीना है और ना ही किसी की गृहस्थी। ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर, ये सब हमारा है। मृदुला, उसने तो ना ही कभी अपने सिंदूर का सम्मान किया ना ही कभी अपने मंगलसूत्र का। और रानी माँ, वो तो कभी दीवू को संभाल भी नहीं पाई। और हाँ, जो औरत पति के पागलपन में इतनी खो गई कि उसने किसी और की जान दांव पर लगा दी, वो औरत कभी भी सुहाग जैसे पवित्र रिश्ते को समझने के लायक ही नहीं है। अच्छा, तो तुम इस सब के लायक हो? अरे 2 दिन हुए हैं तुम्हें आए हुए और मृदुला बरसों से इस घर में रह रही है। 2 दिन का प्यार बरसों की शादी पर सवाल उठाएगा? और एक बात, तुम्हें यह हक किसने दिया? किसने दिया? मैंने दिया है इसे यह हक, या फिर रानी माँ यूं कहूं कि खुद कमाया है।
वो अपने आप को माँ कहती है ना, एक बार जाकर उससे पूछिएगा कि जब दीवू बोरवेल में गिर गई थी तब उसने क्या किया था। क्यों बस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, कुछ नहीं किया। आप ही कहती है ना रानी माँ, ये रिश्तों को निभाना इतना आसान नहीं होता, उन्हें सींचना पड़ता है, उनके लिए तिल तिल करके मरना पड़ता है, हर वक्त समझना पड़ता है, अपने अहंकार को त्यागना पड़ता है और त्याग करना पड़ता है। लेकिन रतुला, उसने आज तक कोई भी त्याग नहीं किया। अरे यहां तक कि अपनी बच्ची तक की परवाह नहीं की कभी उसने। और वहीं पर यह लड़की, आप जानती हैं उस वक्त इसे घर में कोई अधिकार नहीं मिला था, इसके पास न जाने कितने कारण थे हम लोगों का साथ ना देने के, लेकिन फिर भी उन सब बातों को पीछे छोड़कर इस लड़की ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए बोरवेल में कूद गई। किस लिए? दीवू को बचाने के लिए। रिश्ते की परिभाषा समझाई है इसने मुझे। और रानी मां, अगर आज आप दीवू को देख पा रही हैं, वो आज जिंदा है, तो केवल और केवल रजत, क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। रानी मां रुक जाइए, ये औरत मेरे घर में नहीं रह सकती। ओए, कौन हो तुम लोग? मंगलसूत्र निकाल अपना। क्या? नहीं, हम अपना मंगलसूत्र किसी को भी छोड़ने नहीं देंगे। तुम हमें अपने ही घर से जाने के लिए कह रहे हो? नहीं रानी मां, मैं कभी भी इतना बड़ा नहीं हो सकता क्या आपको ऐसा कह दूं। लेकिन ये औरत, इसके सारे रंग देख चुका हूं मैं, अब इससे मैं कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता, ना ही इसकी शक्ल देखना चाहता हूं। रानी मां, इसीलिए मैं आपसे विनती करता कि इसे मत लेकर आइए इस घर में। रजत, हमने ये निर्णय बहुत सोच समझ के लिया है, और अगर तुम हमसे प्यार करते हो, हमारा सम्मान करते हो, तो तुम्हें इस निर्णय को स्वीकार करना होगा। बात निर्णय की नहीं है रानी मां, बात अनमोल। अनमोल, मोल, ये लड़की निकालती है कि नहीं अपना मंगलसूत्र? हम मर भी जाएंगे तो भी मंगलसूत्र नहीं देंगे। ओए, नहीं छोड़ो हमें। हमारे मंगलसूत्र को हाथ कैसे लगाया तुमने? हमारे मंगलसूत्र को हाथ भी लगाना तो हाथ काट कर रख देंगे। तुम्हें क्या लगा ये कोई आम धागा है जो तुम छूओगे और हम तुम्हें छूने देंगे? सुहाग है ये, हमारा अस्तित्व है हमारा, और हम अपने अस्तित्व को छूने भी नहीं देंगे। मंगल सूत्र छुओ हमें। अनमोल, तुम ठीक हो? चलो। तुम्हें क्या जरूरत थी उन गुंडों से लड़ने की? अगर मंगलसूत्र मांग रहे थे तो दे देना था ना। रजत जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसे कैसे दे देते? ये कोई मामूली जेवर या चूड़ी नहीं है जो हम दे देते। ये मंगलसूत्र, ये हमारे और आपके प्यार की निशानी है।
हमारे रिश्ते की निशानी है, परिवार वालों का आशीर्वाद है। ऊपर वाले की दी गई जिम्मेदारी तो हम ऐसे कैसे दे देते? फान मोलवा, मतलब मान गए तुम्हारे स्किल्स को। इतनी अच्छी एक्टिंग तो फिल्म वाले भी नहीं करते जितनी तुम कर लेती हो। रानी माँ, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करके इसने सबको फंसाया है। मुझसे मेरा सब कुछ छीनकर मुझे इस लेवल पर ले आई कि मैं सही गलत का फर्क ही भूल गई। मृदुला, तुम्हारे सारे रंग देख चुका हूं मैं ही नहीं, सबने देखा है उसे। इसलिए दोबारा ये कहानी शुरू मत करो। इसे आप इस घर में रखना चाहती है ना रानीमा? पर फिर मैं इस घर में नहीं रहूंगा। अब देखिए कैसा है ये रिश्ता अनजाना दंगल प्ले पर टीवी से पहले।